Hello, good morning, India. Live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें academy पे follow. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल चैनल वाईफाई स्टडी में. मेरा नाम हर्ष है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है. और ये जो सेशन है हम आरएस के एग्जाम के लिए लेके आए हैं स्पेसिफिक मेंस को देखते हुए. और लास्ट सेशन में कुछ वन वर्ड में आप लोगों को पढ़ा रहा था बच्चों, और आप सब लोगों ने जो है वन वर्ड के सेशन को बहुत एंजॉय किया. और आई एम ऑल गुड स्टूडेंट्स एंड बेसिकली जब लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे. हाँ जी. ओके. सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, और आज की क्लास में भी हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली शुरू करता हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को. हाँ जी, जल्दी से शुरू करता हूं मैं ना. ठीक है. सो बेसिकली आप लोगों के सामने बच्चों पहले आज के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, तो उसकी पहली इमेज आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आने वाली है. ये लीजिए जी, है ना. तो ये डिस्कशन करना शुरू करते हैं वन बाय वन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे. ये लीजिए जी, है ना. ये आपके सामने वन बाय वन मैं डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ जी. ठीक है. हाँ जी, हाँ जी. तो शुरू करते हैं एक एक करके. हाँ ठीक है. अरे विशाल सर कहाँ चले जाते. ठीक है. हाँ तो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज, है ना. नजर आ रहे होंगे आपको ये सारे के सारे वर्ड्स, नजर आ रहे होंगे. आई विश, आई होप आपको नजर आ रहे होंगे. चलो जी, है ना. हाँ जी. ओके सर, नजर नहीं आ रहे हैं बच्चों को. आप सर मुझे गायब कर दिया करो. सो बेसिकली ताकि इनको बच्चों को क्लियरली नजर आना शुरू हो जाए. हाँ मैं जूम कर दूंगा. ठीक है, ये लीजिए. अभी आई होप इनको क्लियरली नजर आ रहे होंगे, है ना. सो शुरू करते हैं जी सेशन. हाँ जी बच्चों ध्यान रखेंगे. हाँ ठीक है. सो बेसिकली पहला वर्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का हमारे वन वर्ड का. सो जो पहला वर्ड है आज का वो है आपकी हैंडपैक. ठीक है. जो फर्स्ट वर्ड है आज का वो आपकी हैंडपैक है. और हैंडपैक का मतलब क्या होता है बच्चों. हैंडपैक का मतलब आपके होता है, थोड़ा सा गैप कर देते हैं इसको. हाँ जी. हैंडपैक जो है वो बेसिकली ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जो कि अपनी वाइफ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना. पर्सन Who is controlled by wife, जो अपनी wife के द्वारा control किया जाए, जिसे उसकी wife control करे, उसे हम handpack बोलते हैं ना. handpack husband है ना. So बहुत बार आपने language में ये word सुना होगा handpack husband. So handpack basically किसको denote करता है. handpack ऐसे व्यक्ति को denote करता है जो basically अपनी wife के द्वारा control किया जाए, जिसे अपनी जिसे उसकी wife control करे, उसे हम handpack बोलते हैं साहब. handpack husband. ठीक है. उसके बाद में दूसरा वर्ड है आज की हमारी क्लास का indefatigable. indefatigable जो basically हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि काफी लंबे समय तक जो है स्ट्रगल करता रहे, काफी लंबे समय तक
जो टायर्ड नहीं हो, जो आसानी से थके नहीं, है ना, इंडिफेटिगेबल, जो आसानी से थके नहीं, जो टायर्ड फील नहीं करे, उसे हम इंडिफेटिगेबल बोलते हैं. वन हु शोस सस्टेन्ड एंथुजियास्टिक एक्शन विद अनफ्लैगिंग वाइटालिटी इज कॉल्ड इंडिफेटिगेबल. जिसको मैं सरल शब्दों में एक ये कह सकता हूं, जो कभी टायर्ड नहीं हुआ ना, वन हु डजंट गेट इजीली टायर्ड, जो आसानी से थका हुआ महसूस नहीं करे, उसे हम इंडिफेटिगेबल बोलते हैं जी, है ना. उसके बाद में जो अगला वर्ड है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने आइकोनोक्लास्ट. और आइकोनोक्लास्ट ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो कि वन हु अटैक्स चेरिश आइडिया, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट, जो कि बेसिकली जो परंपरावादी और जो रूढ़ीवादी विचारों को जो है अटैक करता है, उनके खिलाफ बोलता है, उनको हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं ना. जो परंपरावादी, जो पुराने विचार हैं, जो बेसिकली ऐसे विचार हैं जिनका अब हमारी सोसाइटी के अंदर मान्यता नहीं है, और जो कि है ना, मतलब बहुत ही पुराने हैं, रूढ़ीवादी हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड जो है बेसिकली आपके आइकोनोक्लास्ट कहलाता है. ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ. तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज की क्लास का, वो है आपके इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो अपने आप को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो सबके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, उसे हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं. सो वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना. अगला वर्ड जो है वो बेसिकली आपके सामने है इमोरल. इमोरल वो व्यक्ति होता है जो बेसिकली बिना मोरल प्रिंसिपल्स के हो, हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स, जो बिना मोरल प्रिंसिपल के बिहेव करे, उसे हम क्या बोलते हैं, आपके इनमोरल बोलते हैं साहब. उसके बाद में अगला वर्ड देखते हैं आप लोगों के सामने. अगला वर्ड जो है वो आपके सामने इम्प्रेग्नेबल है. इम्प्रेग्नेबल जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, है ना, जिसको अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, जिसको आसानी से हम जो है बेसिकली नाराज कर दे, जिसको हम आसानी से है ना बेसिकली परेशान कर दे, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, परेशान नहीं कर सके, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपके इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं ना. जिसके साथ टेम्पर नहीं किया जा सके, जिसके जिसको छेड़ा नहीं जा सके, उसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आपके इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं साहब. उसके बाद में अगला वर्ड आप लोगों के सामने बच्चों स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और ये वर्ड है आप लोगों के सामने इनसॉल्वेंट. इनसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है बच्चों जो कि बेसिकली आपके दिवालिया हो चुका है, जो अपना जो है बेसिकली डेब्ट जो है वो पे नहीं कर सकता, है ना. सो ऐसा व्यक्ति जो अपना डेब्ट यानी कि अपना कर्जा जो है वो पे नहीं कर सकता है, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं साहब. इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा वर्ड है इंसॉल्वेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और यहां पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना. ठीक है, हाँ जी, ध्यान रखेंगे. सो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे, इम्प्रेग्नेबल और इंसॉल्वेंट. इम्प्रेग्नेबल जैसे कि जिसको हम टेम्पर्ड नहीं कर सके, जिसको हम पकड़ नहीं सके, उसे हम इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं साहब, है ना, जिसे आसानी से कैच नहीं कर सके साहब. ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगला वर्ड आप लोगों के सामने लुनेटिक. ठीक है, लुनेटिक इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड. लुनेटिक का मतलब आपको होता है पर्सन हु इज मेंटली इल, ऐसा व्यक्ति जो कि बेसिकली पागल होता है, इंसेन होता है, उसे हम बेसिकली आपके क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लुनेटिक बोलते हैं ना. सो इज अ लुनेटिक पर्सन. लुनेटिक का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली इल है, बीमार है, उसे हम लुनेटिक बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने मिज़ेंथ्रोप. मिज़ेंथ्रोप एक ऐसे व्यक्ति को डिनोट करता है हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी. मतलब मिज़ेंथ्रोप वो व्यक्ति होता है जो बेसिकली मानवता का विरोध करता है, इंसानियत का विरोधी होता है, और एक तरीके से जो कि दयालु नहीं है, जिसके अंदर मानवता के प्रति कोई दयालुता नहीं है, जो कि इनह्यूमन सा है थोड़ा सा. सो बेसिकली उसको हम मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं ना, जो कि बेसिकली इंसानों से नफरत करता है, है ना, इंसान की जाति से नफरत करता है, उसे हम बेसिकली मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में अगला वर्ड आप लोगों के सामने बच्चों मर्सिनरी. मर्सिनरी बेसिकली ऐसे वर्ड व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है हु प्राइमरीली कंसर्न विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, है ना. मतलब मर्सिनरी को केवल और केवल पैसे से मतलब है ना, उस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज सही है गलत है, जिसको सही गलत के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जिसको केवल और केवल पैसे से मतलब हो, उसे हम बेसिकली आपके मर्सिनरी बोलते हैं जी, है ना. नार्सिसिस्ट आपके अगला वर्ड है बच्चों. नार्सिसिस्ट बेसिकली हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कि खुद से ही बहुत प्यार करता है, समवन इन लव विद हिमसेल्फ, जो खुद को ही खुद के शरीर से, खुद की बॉडी से, खुद के रूप रंग से प्यार करने वाला नार्सिसिस्ट कहलाता, जो अपने आप से बहुत प्यार करता है. ठीक है, सो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है. उसके बाद में हमारा आज का लास्ट वर्ड है इस स्लाइड का, जो लास्ट वर्ड है वो आपके न्यूमिस्मेटिस्ट है. न्यूमिस्मेटिक कौन होते हैं? न्यूमिस्मेटिक वो लोग होते हैं वन हु कलेक्ट कॉइन्स एज हॉबी,
जो लोग कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं उन्हें हम न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखो, है ना, जिनको सिक्कों के कलेक्शन का शौक हो, जिनको सिक्कों का कलेक्ट करना, सिक्कों को कलेक्शन करना जिनका हॉबी हो, जिनको शौक हो, उनको हम न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं, ना। वन हु लाइक्स टू कलेक्ट कॉइन्स, जिसको बेसिकली आपके कॉइन्स को कलेक्ट करने के अंदर बहुत मजा आता हो, उन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं आपके, उन्हें हम बेसिकली न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं, ना। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे आज के अगले वर्ड्स की तरफ। ये जो अगले वर्ड है ये बेसिकली ये लीजिए जी, आपके आज के नेक्स्ट वर्ड्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस, स्क्रीन पे अच्छे से नजर आ रहे होंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे अच्छे से नजर आ रहे होंगे आई होप। हाँ ठीक है, चलो जी थोड़ा सा इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, आई गेस थोड़ा सा, ये लीजिए जी ये, हाँ आई होप इट इज गुड नाउ, आई होप इट इज गुड नाउ, इट इज ओके नाउ, ये लो जी, यस आई होप इट इज ओके नाउ, यस। हाँ जी, तो वन एक एक, एक वन बाय वन हम जो इन वर्ड्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों देखो अगला वर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपके सामने पॉलीग्लॉट है। पॉलीग्लॉट आपके एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है, ना। अ पर्सन हु कैन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं का जानकार है, बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है, उसे हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में पॉलीग्लॉट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ड होता है आपके, अगला वर्ड आपके सामने रिक्लूज, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, है ना, जो अकेला रहता हो, जो कि बाहरी लोगों से मेलजोल कम करता है, जिसे अकेला रहना, खुद के साथ में समय बिताना अच्छा लगता हो, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसे हम बेसिकली आपके रिक्लूज बोलते हैं जी। रिक्लूज भी आपके बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। उसके बाद में अगला वर्ड आप लोगों के सामने है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट वो व्यक्ति होता है, ठीक है, सोमनाम्बुलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो कि नींद के अंदर चलता है, समवन हु वॉक्स इन स्लीप। सो नींद में जो चलने वाला व्यक्ति होता है, जो नींद के अंदर वॉक करता है, उसे हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है। सो नींद में चलने वाला, वन हु वॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड सोमनाम्बुलिस्ट। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अगला वर्ड आप लोगों के सामने स्टॉइक, ठीक है। स्टॉइक आपके अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू दी पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, है ना, ऐसा व्यक्ति जो कि इस जीवन के सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टॉइक बोलते हैं, ना। जिसको ना सुख के अंदर कोई फर्क पड़ रहा है, ना दुख में कोई फर्क पड़ रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्टोइक बोल देते हैं, ना। जो सुख दुख की भावनाओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, उसे ही हम स्टोइक इंग्लिश लैंग्वेज में बोल देते हैं जी, ना। उसके बाद में अगला वर्ड आप लोगों के सामने बच्चों स्क्रीन पे है, यह है आपके टर्मागेंट। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, स्कॉल्डिंग नेगिंग बैड टेम्पर्ड वुमन, ऐसी औरत जो कि बेसिकली स्कॉल्ड करती रहती है, डांटती रहती है, उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टर्मागेंट बोलते हैं सब, ठीक है। सो डांटने वाली, हमेशा डांटने फटकारने वाली जो औरत होती है, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, टर्मागेंट बोलते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे है, नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है यूक्सोरियस। यूक्सोरियस क्या होता है, बेसिकली आपके अ पर्सन हु शोज अ ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ, जो अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव फॉन्डनेस दिखाता है, मतलब पागल ही है अपनी वाइफ के लिए, समझ आई बात, तो उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, यूक्सोरियस बोलते हैं सब, है ना। जो अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा जो है बेसिकली प्रेम रखता है, बहुत ज्यादा लाइकिंग रखता है, उसके प्रति डिवोटेड है, डेडिकेटेड है ना, बहुत ज्यादा फॉन्डनेस अपनी पत्नी के लिए, बहुत ज्यादा लाइकिंग, है ना, सो यूक्सोरियस बोलते हैं जी, है ना। ले बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, अगला वर्ड आप लोगों के सामने बच्चों वर्चुअसो। वर्चुअसो बेसिकली आपके एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जो कि बेसिकली जिसके पास बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल एबिलिटी है, ना। वन हु पजेसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड और आर्ट में बेहतरीन टेक्निकल एबिलिटी रखने वाले व्यक्ति को हम वर्चुअसो बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये भी आपके बहुत बेहतरीन वर्ड है। अगला वर्ड जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है वो है साइनिक। साइनिक हम उस व्यक्ति को बोलते हैं, वन हु स्नियर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स, जो कि दूसरे के विश्वास को थोड़ा सा, मतलब जो आसानी से विश्वास नहीं करता हो दूसरों पे, हमेशा से बेसिकली थोड़ा सा डाउटफुल रहता हो, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, साइनिक बोलते हैं सब, है ना। जो दूसरे के बिलीफ पे, जो दूसरों पे इतना आसानी से विश्वास नहीं करे, है ना, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, साइनिक बोलते हैं ना। डेमोगोग को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत जो अच्छा ऑरेटर होता है, जो लोगों को अपनी स्पीच से, है ना, पागल कर दे और उनको बहुत ज्यादा प्रभावित कर दे, उसे हम डेमोगोग बोलते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं,
जो कि डेमागोग के नीचे है वो आपके हाई ब्रो। हाई ब्रो बेसिकली हम ऐसे व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल और एरुडाइट टेस्ट का है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको विभिन्न विषयों का ज्ञान है, जो कि बहुत ज्यादा मेंटली जो है बहुत इंटेलिजेंट है, उस व्यक्ति के लिए हम बेसिकली कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपके हाइब्रो का इस्तेमाल करते हैं ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक बेसिकली ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके दिमाग में भ्रम पैदा हो गया है बीमारी का, जिसको ऐसे लगता है, जिसको बीमारी का भ्रम हो गया, उसे हम बेसिकली हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं ना। बीमारी नहीं है लेकिन उसे ऐसा भ्रम हो गया है कि उसे बहुत भयंकर और बहुत बड़ी बीमारी है, उसे हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं। तो ये सब दिमाग की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने फीलोगाइनिस, ठीक है। सो फीलोगाइनिस बेसिकली आपके ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जो कि दूसरी पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमन है ना, जो कि बेसिकली स्पेशल लाइकिंग रखता है औरतों के लिए और औरतों से प्रेम करने वाला, उनके लिए उनको पसंद करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम फीलोगाइनिस बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड जो है आप लोगों के सामने जो कि स्लाइड का लास्ट वर्ड है वो आपके फिलेंथ्रोपिस्ट है, जिसका मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड है ना, मतलब मानवता से प्रेम करने वाला, मानवता प्रेमी जो व्यक्ति होता है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसे हम बेसिकली आपके फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, मतलब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे वर्ड्स को। तो ये नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के सामने आ चुकी है जी, और आई होप आप लोगों को अच्छे से नजर आ रही होगी जी, ठीक है। सो आज के हमारे अगले वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो अगला वर्ड है बेसिकली वो बेसिकली आपके वो, हाँ जी। अब बच्चों ये जो वर्ड्स अगले शुरू है ना, अब इनको थोड़ा सा हम ध्यान में देंगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूं ना। ये जो वर्ड्स है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलेक्शन और ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अभी तक के हमने जो वर्ड्स देखे ना बच्चों, अच्छा जी है ना, इधर देखेंगे। अभी तक के हमने जो वर्ड्स देखे वो बेसिकली किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी तक के जो हमने जो वर्ड्स देखे ना वो अभी तक किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब जो वर्ड है मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, ये बेसिकली ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड है जो कि कलेक्शन को या ग्रुप को दिखाते हैं ना। तो यहां पे सबसे पहले तो ये ऊपर लिखी हुई चीज है, इसको आप नोटिस करो, यहां पे क्या लिख रखा है, कलेक्शन और पर्सन। पहले जो वर्ड थे वो किसी एक विशेष प्रकार के व्यक्ति को दिखाते थे, इंडिविजुअल, समझ आई बात, वो इंडिविजुअल एक व्यक्ति के ट्रेट्स को दिखाने वाले, स्पेसिफिक क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते थे, स्पेशल टाइप के लोग जो होते थे, समझ आई बात, उनको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, स्पेशल ट्रेट्स वाले जो पर्संस होते थे जिन उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड थे वो हमने पहले पढ़े। अब ये जो वर्ड आ गए हैं कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और ये बेसिकली ऐसे वन वर्ड को दिखाते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन को दिखाते हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। सो बेसिकली देखें, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, ठीक है। सो बेसिकली ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर गन्स को और मिसाइल लॉन्चर्स को ऑपरेट किया जाता हो, सब एक साथ ऑपरेट किया जाता हो, उसे हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने बेल। बेल जो है वो बेसिकली आपके किसके कलेक्शन को दिखाता है, लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट है ना, मतलब एक लार्ज, एक बहुत सारा बड़ा बंडल हो जो कि बेसिकली स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए रखा गया, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं सब, है ना। तीसरा जो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है वो आपके बेबी, और ये किसके कलेक्शन को दिखाता है, लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर टाइप, स्पेशली हम इसका प्रयोग करते हैं वीमन या गर्ल्स के लिए। सो औरतों का या फिर गर्ल्स का जो कलेक्शन होता है ना, उनके कलेक्शन को हम बेसिकली स्पेसिफिकली आपके बेबी बोलते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है बुकेट, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, मतलब फ्लावर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो कि एक तरीके से गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, उसे हम बुकेट बोलते हैं, आपके बुके बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है ब्रूड। ब्रूड आपके बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन वर्ड है जो कि कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसके कलेक्शन को, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, तो जो नए यंग एनिमल्स होते हैं, जो बछड़े होते हैं, बच्चे होते हैं किसी एनिमल के, उनका जो कलेक्शन होता है बेसिकली, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं सब, है ना। तो किसी
एनिमल के बच्चों का जो कलेक्शन होता है उसे हम ब्रूड बोलते हैं। उसके बाद में अगला वर्ड आपके सामने कैश, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस, है ना। तो बेसिकली एक सीक्रेट जगह पर बहुत सारी चीजों को अगर हाइड कर दिया जाए तो सीक्रेट जगह को, कलेक्शन ऑफ सीक्रेट थिंग्स वो को रिप्रेजेंट करने वाली जो जगह होती है उसे हम बेसिकली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैश बोलते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने कारवा, कारवा एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, टिपिकली वो व्हीकल, वो लोग ग्रुप ऑफ पीपल और स्पेशली वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बेसिकली किसी व्हीकल में या किसी एनिमल के थ्रू है ना ट्रेवल कर रहे हैं, ये हिंदी वाले कारवा से हम इसको बेसिकली जोड़ सकते हैं, जत्था जिसे हम बोल सकते हैं, लोगों का जो जत्था होता है, जत्था एक साथ गाड़ियों में एनिमल्स में एक साथ जब लोगों के बहुत सारे लोगों का समूह एक साथ कहीं ट्रेवल कर रहा होता है, कहीं जा रहा होता है, तो हम उसे बेसिकली क्या बोल देते हैं, आपके कारवा बोल देते हैं, जी ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने कॉकस, ये भी बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। कॉकस जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग, ऐसी क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग जो कि किसी को पता नहीं है, जो कि छुपके से अरेंज की गई है, तो ऐसी राजनीतिक जो मीटिंग होती है उसे हम बेसिकली आपके कॉकस बोल देते हैं। अगला वर्ड आप लोगों के सामने क्लिक, और ये भी बहुत ही बेहतरीन वर्ड है जिसका मतलब होता है आपके एन एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, है ना, मतलब ऐसे लोगों का समूह जिनका एक ही उद्देश्य है, एक ही विचारधारा है, जो एक ही उद्देश्य और एक ही विचारधारा को साथ लेकर चलने वाले लोगों के समूह को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, आपके क्लिक बोल देते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने क्लैक, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे, ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर टू अपलोड एट अ परफॉर्मेंस, तो एक परफॉर्मेंस को अपलोड करने के लिए, तारीफ करने के लिए, कोई भी परफॉर्मेंस है साहब, उस परफॉर्मेंस की तारीफ करने के लिए, तालियां बजाने के लिए जो ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को हमने हायर किया गया है ना। जैसे कि साहब मैं जो है गाना गाऊंगा, मैं गाना गाना चाहता हूं साहब, अब मैं गाना गाना चाहता हूं, मैं इतना बुरा गाना गाता हूं कि मुझे पता है कि लोग तालियां नहीं बजाने वाले, तो मैंने क्या कर लिया, 100 लोगों को इकट्ठा कर लिया कि 500 रुपए दूंगा तुम सबको, ठीक है, तुम जाओ और है ना वहां पे पहुंच जाओ, मेरे गाना वहां पे गाऊंगा उस ऑडिटोरियम में, और जब मैं गाना गाऊं तो तालियां बजाना, तारीफें करना झूठी मेरी, है ना। सो बेसिकली उसे हम क्या बोल देंगे, क्लार्क बोलेंगे, ऐसे लोग जो कि आपने फॉलो किए हैं, हायर किए हैं, ऐसे लोग जो आपने हायर किए हैं इसलिए ताकि आप किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को जो है अपलोड कर सको, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज में उसको हम क्लार्क बोलते हैं जी, ठीक है, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ, देखो जी, है ना, फिर से ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हम यहां पे आप लोगों के सामने मैं ले रहा हूं ये सारे कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे ना, सब कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, सारे कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है, सब कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। हाँ जी, आई होप मैंने फिट इसको अच्छे से कर दिया है और आप लोगों को स्क्रीन पे अच्छे से नजर आ रहा होगा। No, I have to make it small. ठीक है, अब I hope it नजर आ रहा है। हाँ जी, ठीक है जी, is it okay now? हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल सही नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ना, नजर आ रहा होगा। चलो जी, बढ़ते हैं आगे, है ना। तो डिस्कस करना शुरू करते हैं इन वर्ड्स को, शाबाश, ठीक है। So basically आपके सामने पहला वर्ड है कॉर्टेज, और कॉर्टेज बेसिकली किसको दिखाता है, आपके फ्यूनरल प्रोसेशन, है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु में जो शव के साथ में जो लोगों का काफिला जाता है ना, मृत्यु के बाद में जो शमशान ग्रह तक या कब्रिस्तान तक जो लोगों का समूह लेके जाता है उसे हम जो उसे बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेज बोलते हैं जी, है ना। सो ये पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही बढ़िया वर्ड था ना। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने कॉन्ग्रेगेशन, ये लोगों का समूह होता है, ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वर्शिप कर रहे होते हैं सब, पूजा कर रहे होते हैं सब, तो एक साथ पूजा करने वाले लोगों के समूह को हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रेगेशन बोल देते हैं। सो लोगों का ऐसा समूह जो कि साथ में मिलकर के पूजा कर रहा है उसे हम कॉन्ग्रेगेशन बोल देते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है ड्रो, ड्रो बेसिकली ऐसे लोगों के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, है ना, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपके ड्रो बोलते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने बच्चों फ्लोटिला, हमारे पास टाइम कम है, क्लास को एंड करने के लिए बोला जा रहा है मुझे, तो जल्दी से हम सारे बचे हुए वर्ड्स को कवर करेंगे। फ्लोटिला, ए स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप और बोट्स, है ना, सो शिप्स का और बोट्स का कलेक्शन, जो कि छोटा सा कलेक्शन हो शिप्स का और बोट्स का, उसे हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फ्लोटिला बोलते हैं। ग्रो आपके अगला वर्ड है, जो कि बेसिकली आपके ट्रीज के कलेक्शन को दिखाता है, या छोटी जो बुश होती है, झाड़ियां होती है, उसके कलेक्शन को दिखाता है ना। सो बेसिकली झाड़ियों और जो आपके पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके कलेक्शन को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ग्रो बोलते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने हेमलेट, हेमलेट जो है वो बेसिकली आपके ऐसी
ऐसे कलेक्शन को दिखाता है जिसमें बेसिकली एक कम्युनिटी होती है लोगों की, जो कि एक विलेज से भी छोटी होती है ना. सो एक गांव से भी छोटी लोगों की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? हैमलेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने बच्चों, हर्ड. हर्ड बेसिकली आपके पालतू जानवरों का कलेक्शन होता है, जो घर में पाले जाने वाले जानवर जो होते हैं, जो बेसिकली आपके पालतू जानवर होते हैं, उन पालतू जानवरों का कलेक्शन जो होता है वो बेसिकली आपके हैमलेट कहलाता है, हर्ड कहलाता है बच्चों, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने होड. होड जो है वो बेसिकली आपके लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं. जब बहुत सारे लोगों का जो कलेक्शन होता है उसके लिए हम बेसिकली आपके होड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. फिर उसके बाद आपके पास में वर्ड है बच्चों पॉज. जो टेम्पररी पुलिस फोर्स होती है, जो कि थोड़े समय के लिए होती है, ऐसी टेम्पररी पुलिस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वर्ड है पॉज. नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने शॉल दिया गया है. कभी कभी शॉल के अलावा आपको स्कूल वर्ड भी नजर आ जाता है, जो कि सेम टाइप के कलेक्शन के लिए हम यूज कर लेते हैं. अब आप लोगों को बड़ा ताजुब हो रहा होगा कि सर स्कूल और शॉल क्या दोनों का प्रयोग हम फिश के कलेक्शन के लिए कर लेते हैं? बिल्कुल जी, है ना. सो बेसिकली जो फिश का कलेक्शन होता है, जो मछलियों का कलेक्शन होता है, जो कि किसी एक साथ एक ग्रुप के अंदर जो है एक साथ में स्विम कर रही है, जा रही है, उनको हम स्कूल भी बोल सकते हैं, एस सी एच डब्ल्यू एल, और शोल भी बोल सकते हैं ना. स्कूल और शोल दोनों का प्रयोग हम उनके लिए कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने टोरेंट. सो टोरेंट जो है बेसिकली हम यूज करते हैं एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड, है ना. सो बेसिकली एक साथ जब पानी की जो धारा हो गई, बहुत ही तेज जो धारा हो गई है ना, उस तेज धारा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में वर्ड होता है टोरेंट. सो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है आप लोगों के सामने टोरेंट. और जो आज का हमारा लास्ट वर्ड है ये है कॉन्स्टेलेशन, है ना. कॉन्स्टेलेशन हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सीरीज ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स तारों का जो कलेक्शन होता है, सीरीज होती है, उसे हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आपके कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं ना. सो बेसिकली आज के ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे बच्चों वन वर्ड के. आई होप आपने इस वन वर्ड के सेशन को एंजॉय किया होगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे. तो बच्चों मिलता हूं मैं कल आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के साथ में. टिल देन टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें वीडियो को. टिल आई सी यू टुमारो. टिल देन टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.